जी हाँ, आइए बात करते हैं लाइव वेदर अपडेट्स के अनुसार आज दिन भर के मौसम समाचार के साथ अगले 2 से 3 दिनों तक आपका मौसम का पूरा हाल क्या रहने वाला है। और दोस्तों, इस हमारे मौसम की खबर को लेकर के हमारे इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आपको कौन सी जानकारी दी है, इसकी सभी जानकारियों के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी मौसम की सभी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना भगाए एकदम बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में, और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी ननी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलता हूँ मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि IMD ने मुंबई में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश की दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हमारे इंडिया मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट ने आपके बुधवार और यहाँ पर मंगलवार को हमारे मुंबई में बहुत यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अरब सागर के ऊपर मानसून के सक्रिय होने से सोमवार को मुंबई में भारी बारिश हुई। और दोस्तों, हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यानी दोस्तों IMD ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। और दोस्तों, मौसम का पूर्व अनुमान बताने वाली एजेंसियों ने यह कहा है कि अगले 2 दिनों में महानगर और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ साथ नगरवासियों को अगले 2 दिनों तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और दोस्तों, मौसम का पूर्व अनुमान बताने निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने कहा है कि मुंबई वासियों को 4 और 5 अगस्त को बाहर जाने से बचने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, उसने कहा है कि 6 अगस्त से इसकी तीव्रता घटने लगेगी। और हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मछुआरों को भी सलाह दी है कि वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पूर्वी तट पर गहरे समुद्र में नहीं जाएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे IMD के उड़ीसा केंद्र ने कहा है कि मंगलवार को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। और दोस्तों, इससे राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होगी। और दोस्तों, मौसम विभाग केंद्र ने मछुआरों को 6 अगस्त तक गहरे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप भी ओडिशा और यहाँ पर मुंबई राज्य से आते हैं तो आपको 6 अगस्त तक अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों हमारे मौसम को लेकर के हमारे इंडिया मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट ने आपको पहले से अलर्ट जारी कर दी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य की भी कोई यहाँ पर मौसम की जानकारी आएगी तो मैं आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा दूंगा। और फिलहाल दोस्तों, अगर आप मुंबई और यहाँ पर ओडिशा राज्य से आते हैं तो ऐसे में आपको 6 अगस्त तक बिल्कुल भी यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है। तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर छोटा सा मौसम का अपडेट देना था। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको या मेरा मौसम की जानकारी वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मौसम की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी स्वाइप है ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियोस में, एक और अपडेट्स में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।